शादी की महीने चल रहा था। पूरे गांव की सेलिब्रिटी बनने के बाद चंपा को लोग अपनी घर की शादी में भी बुलाने लगे। खुश रहो दोनों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बहन, तुमने खाना ठीक से खाया तो है ना? शादी के चक्कर में मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया। अरे धीरू भाई, आप परेशान मत हो, मैं तो बस दोनों को आशीर्वाद करने आई थी। अब आप भी शादी कर लो दीदी, और कितने दिन अकेले रहोगे? हाँ बहन, अब तुम भी अपनी पसंद की कोई लड़का देखकर शादी कर लो। शादी करने के लिए कोई प्यार करने वाला चाहिए, मुझसे भला कौन प्यार करेगा? बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है। नहीं बहन, सबको जिंदगी में एक अपने की जरूरत है, जिनसे वो सुख दुख की बातें कर सके, अपनी पूरी जिंदगी बिता सके। अब ऐसा तो कोई मिला नहीं मुझे। खैर छोड़िए, आप लोग मेरे साथ हैं, यही बड़ी बात है। तुमने पूरे गांव के लिए कितना कुछ किया, अब हमें भी तो तुम्हारे भलाई के लिए सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में। मैं अभी चलता हूँ, बहुत रात हो गया, कल एक और फंक्शन में जाना है। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। उफ, ऐसे रोज रोज शादियों में जाकर मैं तो थक गई हूँ, लेकिन क्या करें, सब इतने प्यार से बुलाते हैं कि मैं मना ही नहीं कर पाती हूँ। मैडम, आपको एक बात कहूँ? हाँ बोल। आप इतने शादियों में जा रहे हैं, लेकिन आप कब शादी करेंगी? हाँ, अब इस दुख की बात कैसे बताऊँ तुझे? जब तेरे जैसे इंसान थी तब किसी से प्यार हुआ था, लेकिन वो नालायक तो मुझे धोखा दे दिया। तब से प्यार नाम की चीज से मेरा मन ही उठ गया है। मैडम, एक काम करो, आप प्रेम बुक पे एक अकाउंट खोल लो। प्रेम बुक? फेसबुक तो पता है, अब ये प्रेम बुक क्या है? हाँ मैडम, यहाँ पे सब अपने पसंदीदा जीवन साथी ढूंढते हैं। मैंने भी अपनी बीवी को वहीं से पटाया था। हाँ, अब मन की बात तुझे बता ही देती हूँ। शादी करने का शौक तो है मुझे, लेकिन इस बार भी अगर धोखा खा गई तो पता नहीं गांव वालों के सामने कैसे अपनी मुंह दिखाऊंगी। अरे मैडम, यहाँ पे अगर किसी को कोई पसंद आया तो दोनों एक दूसरे का नंबर देखकर कांटेक्ट करके मूवी देखने जाते हैं, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, और पता है गिफ्ट भी मिलता है। अच्छा ऐसी बात है, फिर ये बता तूने कैसे पटाया था? अब आपको क्या बताए, एक बार मैंने प्रेम बुक पर एक अकाउंट खोला था, तब मैं टैक्सी ड्राइवर था। फिर एक दिन देखा कि रास्ते पर एक मर्सिडीज खड़ा है, तो मैं उसके बगल में खड़े होकर एक अच्छा सा सेल्फी लिया और उसको प्रोफाइल पिक्चर कर दिया। फिर मुझे रिंकी मिली, उसके प्रोफाइल में लिखा था वो मॉडलिंग करती है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मॉडलिंग नहीं, वो घर का काम करती है। खैर जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम दोनों खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। घर पहुंचकर चंपा ड्राइवर मंटू की कही हुई बात सोच रही थी। क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ सब मेरी शादी की बात कर रहे हैं। एक बार मंटू की बात मान कर देखती हूँ। फिर चंपा उस ऐप पर अपना अकाउंट बना लेती है। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे हैंडसम लड़के हैं। मंटू ने सही कहा था, अगर इनमें से कोई मुझे पसंद कर लिया तो मैं भी उसके साथ सिनेमा देखूंगी, घूमने जाऊंगी, 5-star रेस्टोरेंट में खाऊंगी, फिर वो मुझे गिफ्ट देगा और मेरे शादी की शौक भी पूरी हो जाएगी। ये सब सोच के ही मेरा मन खुश हो गया। जल्दी से एक पिक्चर सेट कर लेती हूँ।
अगर मैं अपनी असली फोटो दूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, और इस रूप में कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। कुछ और फोटो देनी पड़ेगी ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। ऐसा बोलकर वो अपनी भेस बदल के फोटो खींचती है। ये अच्छा है, इसको सेट करूंगी, फिर तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगा। उफ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन चंपा को कोई कॉल नहीं आया। दुखी होकर उसने कहा, इतने दिन हो गए, किसी ने भी मुझे कॉल नहीं किया, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लगता है अब ये जिंदगी मुझे अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। उसी वक्त उसके पास एक फोन आती है। हेलो, क्या मेरी बात कावेरी जी से हो रहा है? ये सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है। जी, मैं ही कावेरी हूँ, बोलिए। मैं राघव, मैंने आपकी प्रोफाइल प्रेम बुक पर देखा, मुझे आप बहुत अच्छी लगी, क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, आप बताइए कब मिलना चाहते हैं? कल 5 बजे हम झील पार्क में मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं पहुँच जाऊंगी। कल तो मैं बहुत सज धज के जाऊंगी, मुझे देखकर वो अपनी नजर ही हटा नहीं पाएगा। अगले दिन बहुत सज धज के चंपा उससे मिलने आती है। हेलो जी, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही है। शुक्रिया। राघव जी, आप क्या करते हो? जी, मेरा फैमिली बिजनेस है, विदेश से पढ़ाई खत्म करके अब मैं उस बिजनेस को संभाल रहा हूँ। अरे वाह, बिजनेस करता है मतलब पैसे वाला है, फिर तो मुझे बहुत सारी गिफ्ट मिलेगी। क्या हुआ कावेरी जी, क्या सोच रहे हैं? जी कुछ नहीं। अब आपके बारे में भी कुछ बताइए, मतलब आप क्या करते हैं? मैं सबको मदद करती हूँ। मदद करते हैं मतलब? मतलब अगर किसी इंसान को मदद की ज़रूरत हो तो उसको मैं मदद करती हूँ, इसको आप सोशल वर्क भी कह सकते हो। ओह अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल ऐसा काम कोई नहीं करता। ये बात सुन के मैं आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। शुक्रिया, अब ये आप बोलना छोड़िए। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, क्या अब रोज मिल सकता हूँ तुमसे, ताकि हम दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सके? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो वहाँ बैठ के कुछ देर और बातें करते हैं। जी आज मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पास में ही एक कॉफी शॉप है, बढ़िया कॉफी मिलता है, तो कल हम वहाँ मिले। ठीक है, फिर कल कॉफी शॉप में मिलते हैं। उस दिन रात को जब चंपा घर लौट रही थी तो ड्राइवर मंटू ने कहा, मैडम आपने लड़कियां गायब होने की खबर सुना है? नहीं तो क्या हुआ, मुझे खुल के बता। अरे मैडम, कुछ दिनों से रात में कुंवारी लड़कियां गायब होते जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कोई भेस बदल के ये काम कर रहा है ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो। तेरी बात सुन के मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन सिर्फ कुंवारी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? पता नहीं मैडम, आप जरा देखिए कि मामला क्या है। ठीक है, मैं खबर लगाती हूँ। अगले दिन चंपा राघव से मिलने जाती है कॉफी शॉप पर। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया राघव। अरे इसमें शुक्रिया किस बात की? अच्छा कावेरी, तुम्हें क्या पसंद है, मतलब तुम नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो? एक टाइम पर मैं नॉन वेज थी,
लेकिन अभी मैं शाकाहारी हूँ। ओह अच्छा, मैं तो एकदम नॉन वेज हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। अच्छा मुझे अब जाना होगा, बहुत रात हो गया और ये शॉप भी अब थोड़ी देर में बंद होने वाला है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, गांव का रास्ता है, आपको तकलीफ होगा। तकलीफ क्यों, अब हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया राघव, तुम बहुत अच्छे हो। फिर दोनों गांव की तरफ बढ़ता है। चंपा मन ही मन में सोचती है, राघव कितना ख्याल रखता है मेरा, लगता है वो मुझसे प्यार करने लगा है। मुझे अब मेरी असलियत बता देनी चाहिए। जो भी हो, आखिर एक चुड़ैल से कैसे कोई इंसान शादी करेगा। ये सब सोच के चंपा अपने मन की बात बताने ही जा रही थी कि तभी उसके सामने जो हुआ उसे देखकर वो हैरान हो गई। आज फिर एक इंसान का शिकार करूंगा। उस चंपा की वजह से तो अब शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये प्रेम बुक का आइडिया तो बढ़िया चल रहा है। ये सब सुनकर चंपा गुस्सा हो जाती है। लालू तू, इसका मतलब मंटू जो कह रहा था वो काम तू कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो इसका सबक सिखा के ही रहूंगी। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाती है। अरे ये क्या, चंपा तू यहाँ भी आ गई। हे भगवान, तेरे लिए तो हमारा जीना ही मुश्किल हो गया। अब ये प्रेम बुक का आइडिया तो गया पानी में। मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। याद रखना, तेरी शक्ल फिर कभी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है चंपा। ये बोलकर लालू वहाँ से चला जाता है। जब जिंदा थी तब भी धोखा मिली, अब चुड़ैल बन के भी धोखा मिली। लगता है ये प्यार तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। उसके बाद लड़कियां गायब होने की घटना बंद हो गया और इस तरह चंपा को प्रेम बुक से प्यार ना मिलने के बावजूद भी वो सबको मदद करने लगी।